कोटद्वार का ये वाला पार्ट ना आज मैंने पहली बार देखा है। ये तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। ये खाने की चीज होती है तो लोग इसे छोड़ते ही नहीं। यह इरादा यही जंगल में रहने का है। अभी क्या बोला भैया आपने, बरेली वाला है, बताओ जरा एक बार। इसको साफ करना पड़ता है ऐसे पूरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब फाइन होंगे। तो आज सुबह के 9 बजने वाले हैं एंड आज है मंडे। अमित चार के ऑफिस संतन में गए स्कूल। आज फाइनली स्कूल खुले बहुत दिनों के अलर्ट के बाद। बस मैं चाहती ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट सुबह ही बना देते। तो आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा स्पेशल आज बनाया। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, तो बहुत दिनों बाद मैंने आलू के पराठे बनाए। और आज मैं सबके लिए तो भर के बनाए, मैंने अपने लिए ऐसे बनाया, मतलब दो रोटी बना के फिर बीच में आलू डाल के। तो हम लोग बहुत कम आलू का पराठा बनाते हैं, मतलब कभी कभी बनता है। एंड ये रही मेरी कॉफ़ी। चलिए भाभी जी, चलते हैं इसको लेकर अंदर। तो गाइस, दिन के 11 बजने वाले हैं, और मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं। और मैं जा रही थी थोड़ा दुकान तक, तो ना कल तन्वी का एक स्कूल में फॉर्म जमा करना है, वो फॉर्म का फोटोकॉपी करा रहता है। 2-3 दिन से करा ही नहीं पाया, याद ही नहीं रहा। कल शाम को याद आया, तो फिर मैंने कहा आप कैसे कराएं, तो शाम को गए नहीं। तो गाइस मैं आ गई हूँ दुकान से, ये रहा फॉर्म, ये देख सकते हैं। तो इसको अभी फिल करना है, अभी फिल करती हूँ। 3 दिन से छुट्टियाँ थी तब तो याद नहीं रहा, अब आज कराना पड़ रहा है। छोटे वाले टिफिन में कुछ नहीं दिया? अरे मैं मैंगो देना भूल गई। लाओ, पूरा फिनिश किया आपने? हैं गाइस, तन्वी आ चुकी है स्कूल से एंड कपड़े खुद ही चेंज करता है मेरा बच्चा आजकल, है ना? कैसा हुआ फिर आज का दिन? अच्छा हुआ, पढ़ाई हुई। हाँ तो गाइस, मैंने लंच भी बना दिया था। लंच मैंने तन्नू को लाने से पहले ही बना दिया था। तो सुबह का जो आलू का वो बचा हुआ था ना, उसी से मैंने यहाँ 2 पराठे बना रखे, एक तन्वी का और एक मेरा। ठीक है तन्वी, क्या निकाल रही हो? अरे बहुत खट्टी होती है इमली, अभी रह दो, अभी रोटी खाओ फिर उसके बाद चलो। नहीं आना चाह रही हो ये बताओ? दोस्तों को हेलो बोलो नीतू दी। क्या बोल रही? तो दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं एंड नीतू दी और मैं ना आए तो कुछ और काम से थे, पर ये मुझे देखो कहाँ ले आई हैं, हरे भरे पहाड़ियों के बीच में, नदी किनारे और इस जगह को बोलते हैं, मतलब ये जो पुल है ये घराट वाला पुल है ना, घराट पुल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा कितना सुंदर नदी का नजारा है, ऊपर से पहाड़ देखो। आज थोड़ा मौसम साफ हो रखा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये तो भयंकर बादल हो रहे थे, अभी दिन तक हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बट अब नहीं हो रही है। और यहाँ को देखो आगे कितना सुंदर जंगल है। तो ये रास्ता कहाँ जाता है नीतू दी? ये कर्ण आश्रम की साइड को जाता है शायद ना, और ये रास्ता सिद्धबली वाला है। सीधा इधर से निकल जाओगे तो कॉलेज वाली रोड से सीधे सिद्धबली पहुंचेंगे। गाइस अभी ना हम इधर से जाते समय मानपुर की रोड से वो भी लेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पे ना जो आपको सब्जियाँ मिलेंगी ना, वो एकदम फ्रेश सब्जियाँ मिलती है और बहुत ही अच्छी, मतलब सब्जियाँ मिलती है और अच्छे दामों में मिल जाती है। मार्केट से तो मतलब मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लूँगी, बट मैंने सुना है जहाँ तक। तो नीतू दी बोल रही थी कि सब्जी लेते हुए चलेंगे, तो अभी जाएंगे आपको दिखाएंगे एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। ठीक है, तो कोटद्वार का ये वाला पार्ट ना आज मैंने पहली बार देखा है, इधर मैं कभी नहीं आई हूँ, आज आ रही हूँ फर्स्ट टाइम। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे पुल है आगे को, बस मानपुर तक आ रखी हूँ बस मैं, उधर तक वहाँ से आए थे। यहाँ पे जो नदी का कलर है वो देख सकते हैं आप, एकदम साफ दिख रहा होगा आपको। और ये नीचे जाते जाते ना वहाँ तक नींबू चौड़ वाले पुल तक जाते जाते बहुत ही गंदी हो जाती है, पता नहीं क्यों। अभी देखो कितनी साफ सी दिख रही है ना, और आगे को जाएगी ना तो एकदम गंदी सी हो जाती है। बस हम लोग जा ही रहे थे कि हमको ना एक फल मिला गिरा हुआ। ओ ये क्या है? ये तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। और इसका पेड़ देखो, इतना बड़ा पेड़ है, ये पूरा इससे लदा हुआ है क्या बट ये? अरे दिखाओ नीतू दी, लगा ऐसा जैसे आम है। मैंने तो दूर से देखा, मैंने कहा अरे आम गिरे हैं, मेरे को तो लगा सेब। हाँ भाई ये पूरा पेड़ देखना लदा हुआ है उससे, फल से। पर ये फल काहे का है देखो, मुझे लगता है कुछ कंदमूल फल होगा ये, है ना? तो गाइस अगर आप लोगों को किसी को पता है तो बताना कि ये काहे का फल है। हाँ हम तो आज जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। और पेड़ भी देखो जरा, थोड़ा थोड़ा ये एप्पल की तरह है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब ये शेप में थोड़ा सा एप्पल की तरह है, बट है क्या पता नहीं। अंदर से कैसा होगा नीतू दी, फोड़े इसको। ओह क्या निकल रहा है, फोड़ना जरा नीतू दी, यहाँ पे फोड़ो, इसको फोड़ो पत्थर पे, याले पत्थर पे फोड़ो। फूट तो गया,
टेस्ट करके देख। छी छी क्यों करना है टेस्ट, पागल हो क्या? पता चल रहा कुछ नशीला होगा, यहीं पे बेहोश पड़े रहेंगे हम दोनों। खुशबू सूंघो, तुम सूंघो। नहीं नहीं, कुछ खट्टी खट्टी सी, खट्टी खट्टी सी आ रही है। कैसे आ रही है? खट्टी खट्टी है ना। आज हमको दिखा एक अजीबो गरीब फल है ना। तो गाइस अभी ना मैंने इसको विकिपीडिया किया और गूगल में देखा इसको बोलते क्या है। तो अपने देहाती भाषा में बोले तो इसको हम बोलेंगे जंगली अमरूद, ठीक है। और इंग्लिश की भाषा में बोले तो क्या था, इतना वीडियो बनाने तक तो मैं भूल गई उसका नाम, कुछ अर्बोरिया था यार, कैरिया अर्बोरिया, मतलब मैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखाऊँगी ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये जंगल में होता है, मतलब कि इंडियन जंगलों में, और इसको जंगली अमरूद बोला जाता है। अब खाते हैं नहीं खाते ये तो हमें पता नहीं है, बट इसको बोलते ही है। और जंगल में होता है तो जंगली फ्रूट है ना, वाइल्ड, मतलब तो खाना तो मुश्किल ही है, इसको नहीं खा सकते हैं। पता चल रहा है खाए और कहीं तो नशीला फल हुआ तो कहीं पता चल रहा है हम यहाँ से वो पुल तक ही नहीं पहुँच पाए। तो चलो मैडम अब चलते हैं, यह इरादा यही जंगल में रहने का है। सी बात है, अगर ये खाने की चीज होती तो लोग इसे छोड़ते ही नहीं, ये पेड़ ऐसे लदा ही नहीं होता है ना, लोग कब के ले गए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा करी पत्ता और गाइस, और वो भी देखो कितना सुंदर, ठीक है। तो यहाँ से करी पत्ता ले जाते हैं, मैंने इतनी बार अपने यहाँ करी पत्ता लगा चुकी हूँ बट एक करी पत्ता होने को नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा एक चार पत्ते हो जाऊँ उसमें। क्या खुशबू आ रही है, पूरे जंगल में देख सकते हैं आप, यहाँ करी पत्ता ही करी पत्ता है। थोड़ा सा करी पत्ता ले जाते हैं। अरे भाई साहब आ जाओ। तो पता है करी पत्ता का क्या है ना, डाल लगती है, जैसे ये है ना ये डंडा, ये डंडा लगता है, और मैं इतनी बार लगा चुकी हूँ ये डंडे, जड़ नहीं लगती बहन जी, इसका डंडे लगते हैं है? अरे इन औरत को कौन बताए, इसके डंडे लगते हैं। किसने बोला डंडे लगते? मैंने तो लगाए थे, उस पत्ते डंडे में तो आए, जड़ थोड़ी आई। तब भी कैसे दिया? 40। ये 1 किलो तोल दो, 1 किलो ये वाला। वो पीना है और पीना है तो जीना है। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे मिल चुके हैं अभी फ्रेश फ्रेश लिंगुड़े एकदम। हेलो भाई बहनों, लिंगड़ा 20 रुपए किलो ले जाओ, 20 रुपए के एक लिंगड़ा 20। तो गाइस बहुत ही सुंदर लिंगुड़े हो रखे हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अभी छाड़ते हैं इसमें से एक अच्छी अच्छी सी गड्डी अपने लिए भी। अभी क्या बोला भैया आपने, बरेली वाला है, बताओ जरा एक बार दोबारा। मैं बोला जो खाएंगे करेली वो नहीं जाएंगे बरेली, मेरे ही पास रहेंगे, मेरे पास और सब्जी खाएंगे। लो दो गड्डी ले रहे हैं, एक में क्या होगा, लो भैया एक गड्डी हमको भी दो, और कुछ देना है गुरुजी। टमाटर क्या हो गई है, तुम कितनी देर में तोल रहे हो इसको, पकड़ो तुम, मैं तुम्हें तोल देती हूँ। तोल लो अपना, ले लो, मैं भी ले रहा मामा। ये देखो 1 किलो। अरे 1 किलो हो गया तो आप ले जाओ, मुझे क्या देखना है। क्या बना रहे हो, घास जैसा? घास जैसा नहीं है ये, क्या लिंगुड़ा है ये, लिंगुड़ा कहीं नहीं मिलती पता है, ये सब्जी पहाड़ों में मिलती है, पहाड़ों में जंगलों में। आपने तोड़ी भी तो थी। हाँ तोड़ी थी ना, ऐसे वाले थे, ऐसे तोड़े थे। हाँ फिर तो अभी इसको साफ करेंगे, तो देखो इसमें ना रेशा है, मैं ऐसा रेशा रेशा सा होता है, इसको साफ करना पड़ता है ऐसे पूरा अच्छी तरीके से साफ करेंगे, फिर इसको हम धोएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर काट देंगे, फिर काट देंगे। आप भी खाओगे? हाँ खाओगे, सच बताओ? ठीक है। आपने खाई लिंगुड़े की सब्जी, कैसी हो रही, टेस्टी? तो गाइस हमारा रेडी है डिनर, और ये रही सब्जी लिंगुड़े की, आज मैंने काली कढ़ाई में बनाई है, तो मतलब लोहे की कढ़ाई में बनाई तो ज़्यादा टेस्टी हो रही है, और साथ में आम, आम बिना तो मेरा खाना कम्प्लीट ही नहीं हो सकता। आज आप नहीं खा रहे आम, पेट भर गया? तो सबने खा लिया डिनर, बस खाली मेरा रह गया था। खाना खाते हैं और फिर जल्दी से सो जाते हैं।